दोस्तों, जीवन में हम कई कर्म करते हैं, अच्छे और बुरे। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। हमारे कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें हमारे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज की हमारी कहानी इसी बात से संबंधित है। कृपया वीडियो को ढंग से समझने के लिए अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के पास शिकार ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, जो कि स्वयं गंगा ही थी। शांतनु गंगा को देख मनमोहित हो गए और उनसे विवाह करने के लिए उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा। गंगा जी ने शांतनु को हाँ कह दिया, परंतु एक शर्त भी रखी, जिसे सुन शांतनु थोड़े से हैरान जरूर हुए, परंतु उन्होंने गंगा जी की शर्त स्वीकार कर ली थी। दोनों की सहमति से उनका विवाह हुआ। राज्य भर में सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास से गंगा जी, उनकी नई रानी का स्वागत भी किया। विवाह के कुछ महीने बाद गंगा ने शांतनु को एक खुशखबरी भी दी कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जल्द ही वो समय भी आ गया था जब गंगा और शांतनु का पहले बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद से शांतनु और हस्तिनापुर के सभी लोग खुश थे। बच्चे के जन्म लेने के अगले ही दिन गंगा जी अपने पुत्र को उठाकर नदी के ओर ले चली। जब शांतनु ने देखा कि गंगा अपने बच्चे को अकेले ही नदी किनारे ले जा रही हैं, तो वो परेशान हो गए। वो गंगा के पास जाकर कुछ कहते, उससे पहले उन्होंने देखा कि गंगा ने उनके बच्चे को नदी में तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया। यह देख शांतनु के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ समय बाद गंगा ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। शांतनु नहीं चाहते थे कि उनके इस बच्चे के साथ भी कुछ गलत हो, इसलिए वो गंगा पर नज़र रखते थे। एक दिन फिर से गंगा ने वही किया, अपने दूसरे बेटे को भी नदी में डुबो दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देख शांतनु क्रोधित हो उठे, परंतु वो कुछ नहीं कर सके। ऐसा करते करते गंगा और शांतनु के सात बेटे हुए, जिन्हें गंगा ने स्वयं नदी में डुबोकर मार दिया, जिससे शांतनु भली भांति जानते थे। शांतनु के मन में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था, परंतु वो कभी गंगा से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि शादी से पहले गंगा जी ने शर्त रखी थी कि शांतनु गंगा के किए हुए गतिविधियों पर सवाल नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उन्हें उसका जवाब देकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगी। इसी डर से शांतनु हमेशा चुप रहते थे, वो गंगा को खोना नहीं चाहते थे। राज्य के मंत्री अब इस बात को लेकर सोच विचार करने लगे थे कि क्या कभी शांतनु का वारिस जन्म लेकर अपनी राजगद्दी संभालेगा। यही नहीं, अक्सर राज्य के लोग भी गंगा को देख बातें करते थे कि इन्होंने अपने सात बच्चों को मार डाला, परंतु गंगा जी पर इनका कुछ असर नहीं पड़ता था। कुछ महीनों बाद शांतनु और गंगा के आठवें बेटे का जन्म हुआ। जन्म के बाद हर कोई यही बात करता था कि गंगा अपने इस बच्चे को भी मार डालेगी। यही सोच शांतनु के मन में भी उत्पन्न हो रही थी कि गंगा उनके आठवें बच्चे को भी मार डालेगी। इस बार शांतनु ने सोच लिया था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगले दिन जब गंगा अपने आठवें बच्चे को लेकर नदी की ओर जाने लगी, तो
तो शांतनु ने उसका पीछा किया और यह देख कि गंगा उनके आठवें बच्चे को नदी में डुबोने वाली हैं, शांतनु गंगा को रोक लेते हैं। शांतनु को अत्यधिक क्रोध आ रहा था। वो अपने सात बच्चों की मृत्यु के लिए कुछ सवाल करे बिना अंदर ही अंदर परेशान थे और इसका सच जानना चाहते थे। अपनी शादी के वक्त तय कसम वादे छोड़कर शांतनु ने गंगा से सवाल किया और कहते हैं, आज मैं अपने वचनों को तोड़ तुमसे सवाल करता हूँ कि क्यों तुम हमारे बेटों को मार डालती हो? क्यों तुमने हमारे सात बेटों को मार डाला? क्यों गंगा? यह सुन गंगा दुखी हुई, क्योंकि वो वक्त आ गया था जब उन्हें अपने वचनों के अनुसार शांतनु को उनके सवालों को जवाब तो देना ही था, परंतु उसके बाद उनसे अलग भी होना था। गंगा ने शांतनु को जवाब देते हुए बताया कि यह सब वो अपने पिछले जन्म में मिले अभिशाप के कारण कर रही थी। गंगा ने शांतनु को याद दिलाया और कहा, मैं अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी की बेटी थी और आप महाभिषा थे, इश्वाकु राज्य के राजा। उस समय आप एक दिन ब्रह्मा जी के दरबार में आए थे, जहां सभी देव उपस्थित थे और मैं भी। हम दोनों एक दूसरे को देख आकर्षित हो गए थे और काफी समय तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चली और मेरे वस्त्र भी उड़ने लगे, जिसके कारण मेरा शरीर दिख रहा था। सभी देवों ने अपने सर नीचे कर लिए थे, परंतु आप मुझे फिर भी देखे जा रहे थे। मैंने भी आपको मेरी ओर देखता देखा था, परंतु मैंने भी आपको रोका नहीं। यह देख ब्रह्मा जी ने हमें श्राप दिया था कि हम अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे सभी बेटे वही वासु थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था, और कि वो तभी इस श्राप से मुक्त होंगे जब उनका मनुष्य जन्म समाप्त होगा। इसलिए मैंने अपने सातों बेटों को नदी में बहाया था। ऋषि ने एक दुआ भी दी थी कि आठवां पुत्र धार्मिक सभी पवित्र शास्त्रों से परिचित होगा और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र भी होगा। जैसा कि गंगा ने वादा किया था, वो यह सब बताकर उनके साथ उनके आठवें बच्चे को ले गई, जिससे वो उसका पालन पोषण अच्छे से कर सके और अपने बेटे को अच्छे से विकसित करे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों का अच्छे से सामना कर सके। उन्होंने अपने बेटे का नाम देवव्रत रखा, जो आगे चल एक महान योद्धा बना और अक्सर गंगा पुत्र भीष्म और भीष्म पितामह के नाम से भी जाना गया। शांतनु का मन उदास हो गया था। अपनी पत्नी और पुत्र को जाता देख वह सिर्फ रोते ही रह गए थे और आगे का जीवन गंगा के बिना ही व्यतीत करना पड़ा था। दोस्तों, जीवन में अच्छे कर्म करना कितना जरूरी है, आज हमने अपनी इस कहानी में बताया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आइए प्रेम से कहे जय गंगा मैया की।